भारत में सिनेमा को लेकर लोगों में खास क्रेज देखने को मिलता है। यही वजह है कि यहाँ हिंदी सिनेमा के अलावा क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों की भी काफी फैन फॉलोइंग है। बॉलीवुड के बाद देश में टॉलीवुड का अच्छा खासा कारोबार है। टॉलीवुड यानी साउथ की फिल्में आजकल न सिर्फ अपने क्षेत्र में लोकप्रिय हैं, बल्कि हिंदी सिनेमा प्रेमी भी इसे काफी पसंद करने लगे हैं। इसलिए आजकल बॉलीवुड में साउथ की इन फिल्मों के रीमेक का चलन बढ़ गया है। साउथ फिल्मों में कई ऐसे सुपरस्टार्स हैं जिनके प्रशंसकों की संख्या किसी बॉलीवुड स्टार से कम नहीं है। अल्लू अर्जुन, महेश बाबू, समांथा अक्किनेनी, अनुष्का शेट्टी जैसे टॉलीवुड स्टार्स अब हर किसी की पसंद बनते जा रहे हैं। यही वजह है कि अब बॉलीवुड फिल्म मेकर्स भी इन कलाकारों को हिंदी फिल्मों में रोल ऑफर कर रहे हैं। हालांकि ऐसे कई साउथ के सुपरस्टार्स हैं जिन्होंने एक भी बॉलीवुड फिल्म में काम नहीं किया है। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ टॉलीवुड स्टार्स के बारे में जिन्होंने ठुकराया बॉलीवुड फिल्मों का ऑफर। नंबर वन, अल्लू अर्जुन। टॉलीवुड के मशहूर अभिनेताओं में से एक अल्लू अर्जुन प्रशंसकों के मामले में किसी बॉलीवुड स्टार से कम नहीं है। साउथ के अलावा अल्लू की फिल्मों को देश भर में पसंद किया जाता है। इसके बावजूद उन्होंने अभी तक बॉलीवुड में डेब्यू करने की नहीं सोची है। दरअसल अल्लू अर्जुन को फिल्म बजरंगी भाईजान और 83 ऑफर की गई थी, लेकिन उन्होंने दोनों ही फिल्मों में काम करने से मना कर दिया। नंबर टू, महेश बाबू। साउथ फिल्मों के सुपरस्टार महेश बाबू के प्रशंसकों की सूची काफी लंबी है। महेश बाबू की कई फिल्मों को हिंदी में डब किया गया है, जबकि कई के रीमेक भी बनाए गए हैं। हालांकि इतनी फैन फॉलोइंग के बाद भी उन्होंने कभी हिंदी फिल्म में काम नहीं किया है। बता दें कि महेश बाबू ने कई बॉलीवुड फिल्मों के ऑफर ठुकरा दिए हैं। नंबर थ्री, यश। अल्लू अर्जुन और महेश बाबू के अलावा KGF के अभिनेता यश भी साउथ फिल्म इंडस्ट्री में एक जाना माना नाम है। अभिनेता यश को भी बॉलीवुड की फिल्म लाल कप्तान ऑफर की गई थी, हालांकि उन्होंने इस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया। नंबर फोर, अनुष्का शेट्टी। सुपरहिट फिल्म बाहुबली में देवसेना का रोल निभाने वाली अनुष्का शेट्टी ने भी अभी बॉलीवुड में डेब्यू नहीं किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें साल 2011 में रोहित शेट्टी की फिल्म सिंघम ऑफर की गई थी, हालांकि उन्होंने इस फिल्म में काम करने से साफ इनकार कर दिया था। इसके अलावा अभिनेत्री कई प्रोजेक्ट्स को रिजेक्ट कर चुकी हैं। नंबर फाइव, समांथा अक्किनेनी। हाल ही में वेब सीरीज फैमिली मैन 2 में राजी के किरदार में नजर आई समांथा अक्किनेनी अभी तक बॉलीवुड फिल्मों का हिस्सा नहीं बनी है। हालांकि इस सीरीज के बाद से ही उन्हें कई बॉलीवुड फिल्मों के ऑफर मिल रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक किसी भी प्रोजेक्ट को हाँ नहीं कहा है। तो अब आप अपने कमेंट्स के जरिए बताइए कि आप इनमें से किस एक्टर को बहुत जल्द बॉलीवुड में डेब्यू करता हुआ देखना चाहेंगे।